जनता की सेवा के कार्य करेंगे, जनता के पहरेदार बनके, चौकीदार बनकर हम लोग काम करेंगे। अगर यहां 2800 से 2300 ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए, वो तो हमारे सर के ताज है, लेकिन जिन्होंने किसी कारणवश हमें वोट नहीं भी दिए वो भी हमारे हैं। हमने उनके लोगों को हक होता है वोट देने, लेकिन जो चुनाव जीत जाता है उसकी जिम्मेदारी बनती है फिर सब अपने साथ लेके, जैसे मोदी जी बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इसी नीति पर चलते हुए हमने सारे क्षेत्र के अंदर लोगों की भलाई करनी है, डेवलपमेंट करनी है। साथियों, आपने देखा होगा जो मोदी साहब ने काम शुरू किए, कल परसों जो किसानों को मोदी जी ने संबोधित किया, एक बटन दबाते ही लोगों के खातों में 6,000 रुपए। कल परसों जो मोदी साहब बोल रहे थे, उधर मोदी साहब ने बटन दबाया, मैं एक प्रोग्राम में था, मैंने बोल वही बैठे बैठे लोगों के मोबाइल पर मैसेज आ गया कि आपके खाते में 2,000 रुपए ट्रांसफर। देश के 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपया एक बटन दबाते ही मोदी जी का सबके खाते में। उनके अंदर मकान बनाने का काम, टॉयलेट बाथरूम बनाने का काम ये मोदी सरकार ने किया। गांव के अंदर माताओं बहनों को जो गरीब परिवार की थी मुफ्त गैस के सिलेंडर कनेक्शन अगर दिए तो मोदी सरकार ने। साथियों, जो रिफ्यूजियों को 5.5 लाख रुपए की पहली किश्त, 70 साल हमारे पूर्वज दादा परदादा हमारे खानदान के लिए बनते रहे, लेकिन किसी ने रिफ्यूजियों का कोई ख्याल नहीं किया। अगर किसी ने पहली बार सोचा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी की सरकार ने की। तो 5.5 लाख रुपए की पहली किश्त मोदी जी ने दी। अभी मैं कल परसों मोदी जी को मिलके आया हूं, दिल्ली गया हुआ, मोदी जी और अमित शाह जी ने बुलाया था। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को आग्रह किया है कि जो रिफ्यूजियों की जो बाकी वाली इंस्टॉलमेंट है, जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं वादा किया हुआ है, उसको भी हम जल्दी रिलीज करेंगे। सभी को मोदी सरकार ने गोल्डन कार्ड बनाने के आदेश दिए हैं। हर घर में गोल्डन कार्ड बनेगा, चाहे कोई मजदूर है, किसान है, कोई खेती बाड़ी करता है, कोई दुकान चलाता है, कोई सरकारी मुलाजम है, कोई मास्टर है, टीचर है, डॉक्टर है, कोई पुलिस वाला है, आर्मी वाला है, सीआरपी में है, एसएसबी में है, आईटीबीपी में है, बीएसएफ में है, 5 लाख रुपया एक साल का अपने इलाज के लिए खर्च कर सकता है, वो पैसे मोदी सरकार दे। कभी कभी सगे भाई की जेब में 100 रुपया नहीं होता है कि वो अपने बीमार भाई को 100 रुपया दे। मोदी जी ने 5 लाख रुपया, ये बहुत बड़ी स्कीम। इसलिए मैं प्रोफेसर कारूराम जी, जो आपके चुने हुए टीडीसी के यहाँ के मेंबर हैं, इनसे अपील करूंगा, यहाँ के हर परिवार का, हर घर का, हर बच्चे का ये कार्ड बनना चाहिए, ये आपकी जिम्मेवारी है। कहीं कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। और मैंने सुना है कि कभी कभी कुछ लोग बनाते बनाते नंबर के घोटाले करते हैं। अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा, कोई गद्दारी करेगा, फिर उसको भी जैसे एनसी कांग्रेस वाले लंबे पाए उड़े ना, ऐसे उनको भी लंबे पाए। देखो, भ्रष्टाचार हम नहीं होने देंगे। गरीब की चौखावर करो, उठा के घसीट के जेल की सलाखों में बंद करेंगे। अगर कोई ऑफिसर, कोई अधिकारी किसी गरीब से भ्रष्टाचार और करप्शन मांगने की बात करता है। की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।